पंजाब सरकार नशियां ते ठल पाउण च पूरी तरह फेल हो गई है। इन्हां गल्लां दा प्रगटावा आम आदमी पार्टी दे एससी विंग दे जिला प्रधान ते हलका पछमी तों आगू डाक्टर इंद्रपाल वल्लों कीता गया। डाक्टर इंद्रपाल की अगवाई हेठ हलका पछमी विच भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति चौंक वाल्मीकि तीर्थ रोड तो नशियां दे खिलाफ जागरूक मार्च कढ़िया गया, जिस विच भारी संख्या में नौजवान पहुंचे ते मोटरसाइकलों ते विशाल काफले के रूप में इंडिया गेट शेरटा विखे समाप्ति की गई। लोगों ने शाम सिंह जी अटारी वाले दे बुत ते सौ चुकी कि 2022 विच आम आदमी पार्टी की सरकार आउण ते नशे के खात्मे वास्ते हर जरूरी कदम चुकणगे। बाकी इस खबर बारे बोलदियां डॉक्टर इंद्रपाल सिंह एससी विंग जिला प्रधान अमृतसर का की कहना है, आओ जान लैने आ। अमृतसर तो मुकेश मेहरा की रिपोर्ट के नाल दा टीवी एनआरआई। की परपस है मार्च कर रहे हैं? मेरा नाम डॉक्टर इंद्रपाल है, मैं आम आदमी पार्टी एससी विंग का जिला प्रधान हाँ। तुम्हारा नाम बोल दो भाई। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रपाल है, मैं आम आदमी पार्टी एससी विंग का जिला प्रधान हाँ। अज जिहड़ा मार्च कढ़िया गया ये नशे के खिलाफ जिहड़ा वो मार्च जरा आम आदमी पार्टी कर रही है। असी इतने अज शाम सिंह अटारी जी के बुद्ध लागे क्योंकि साढ़े शहीद ने और असी इन्हों सजदा करते हैं। असी ऐद करते सहु खाने कि असी 2022 दे विच आम आदमी पार्टी सरकार आएगी सब तो पहला असी नशे ते अंकुश लगावांगे। की लगता है कि ये दूसरी बार औस खाधी जा रही क्योंकि पहली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खाधी सी तो कहते नशा मुकेगा, तुहाडे वल्लों भी अज ये शुरुआत इत्थे की जा रही क्योंकि 2022 दीआं चोणां लगे आ रही। देखो गल है जी, साडी पार्टी जिहड़ी है अरविंद केजरीवाल दे गल ते चलदी है ते केजरीवाल साहब जिहड़ी गल करदे आ हुण जे बिजली अंदोलन होया तो उन्हां ने फार्म भर के और जिहड़ी ये शुरुआत कीती है क्योंकि जिहड़ी गल उह जबान कर लैंदे ने वो जबान अटल है। असी उन्होंने कहते असी ये गल ऐद करते हैं और सौ खाने कि असी उन्होंने हर पूरे चलेंगे और सब तो पहले आंदे ही नशे ते अंकुश जिहड़ा लगावांगे। डॉक्टर साहब तुहाडे मुताबिक हुण नशे का किन्ना क बोलबाला पंजाब दे विच जिहड़ा अगे सीगा अगे तो बहुत ज़्यादा जी हाँ जी। लगता है घट पाएगा कि लगता है बिल्कुल गल है भी जिहड़े नशे के सुआगर ने वह कांग्रेस और अकाली दल के जिहड़े है मेन जिहड़े लीडर उन्होंने नाम आया बिट्टू ओलख का नाँ आया अपना जिहड़े अपना उन्होंने साले ने अपना बिक्रम मजीठिया जी उन्होंने नाँ आया इन्हों तो अंकुश लगा ही नहीं मजीठिया साहब से तो बाकी जी छोटी मोटी टिट पूंजियां ने उन्होंने तो लाने का तो कोई फायदा ही नहीं। पर पंजाब सरकार कहती थी नशे खत्म करने वास्ते एसटीएफ का गठन किया गया 2007। देखो जी एसटीएफ का गठन किया गया हरप्रीत सिद्धू जिहड़े ने उन्होंने चीफ ने देखो यार एक बंदा ईमानदार है जो उन्होंने बाकी जी टीम है जो ईमानदार नहीं है तो फिर किस तरह चलेगा। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की हूँ एक हर एक बयान के सामने आ रहे हो कह रहे कि 6 फुट 2 इंच तक कान टंगना जरूरी है कि समझते कि कहते वाल इशारा किया जा रहा और उस बंद वाकई टंगने की जरूरत है। देखो गल है भी जिहड़ा गल है सिद्धू साहब की सिद्धू साहब तो आप गबड़ी है तो सामने ही है भी हूँ उन्होंने कहता भी असी साड़ी सरकार है कि 3 रुपये यूनिट बिजली देंगे तो बिजली मंत्री सके ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਟੰਗਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਹਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਟੰਗਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬੋਧੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਸੌ ਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੈਠੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ।